महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बहोली में दो भाइयों में खेत मकान के पीछे चल रहा है विवाद। विकलांग भाई को नहीं मिल रहा न्याय, जो की आंख से और पैर से विकलांग है। नरवाल तहसील के विकास खंड सरसौल के अंतर्गत आने वाले महोली गांव में खेत न लिखने पर विकलांग भाई को घर से बाहर निकाल दिया व जान से मारने की धमकी दी। विकलांग लाल सिंह सन ऑफ रंजन सिंह निवासी महोली के रहने वाले हैं। इनका बड़ा भाई जंग बहादुर सिंह जो कि पुलिस विभाग में था, जंग बहादुर ने दो शादियां की थी, जो कि पहली पत्नी को खेत के कारण जलाकर मार डाला था और पहली पत्नी के चार बच्चे थे, इनको घर से निकाल दिया था। इनकी परवरिश मामा मौसी ने की थी। जंग बहादुर सिंह ने अपनी माँ को भी मार डाला था। खेत के कारण विकलांग भाई को घर से बाहर निकाल दिया और खेत में भी कब्जा कर लिया। लाल सिंह आंख और पैर से विकलांग होने के कारण कुछ भी नहीं कर सकता और बड़ा भाई जंग बहादुर धमकी देकर बोला कि मैं पुलिस में था, मुझे कुछ नहीं होगा। जंग बहादुर सिंह बोलते हैं कि पहली पत्नी को जलाकर मार दिया, अपनी माँ को मार दिया, पहली पत्नी के बच्चों को घर से निकाल दिया, कुछ हुआ नहीं। इसी तरह सीधे खेती लिखो, नहीं तो तुम भी जान से जाओगे। विकलांग लाल सिंह का कहना कि मेरी दो भैंस, बैंक पासबुक, 100% विकलांग का सर्टिफिकेट और 19,000 रूपए व कपड़े सभी रख लिए, जिसको पूर्वा मीर चौकी इंचार्ज नीरज बाबू व महोली निवासी शैलेंद्र सिंह के सामने कबूल किया, लेकिन बड़े भाई जंग बहादुर सिंह ने देने से मना कर दिया। विकलांग लाल सिंह को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ना दे रहे हैं बड़े भाई जंग बहादुर सिंह, रोहित सिंह, मोहित सिंह। यदि विकलांग लाल सिंह की किसी कारणवश जान जाती है तो उसके जिम्मेदार उपरोक्त व्यक्ति होंगे। विकलांग लाल सिंह की कोई डरवश मदद नहीं कर रहा है। विकलांग के पास न खाने को है और न रहने को है। विकलांग लाल सिंह का कहना कि हमने कई बार एप्लीकेशन भी दी है, महाराजपुर थाने में एक बार, पूर्वा मीर चौकी में एक बार, नरवल तहसील में दो बार दी और मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। विकलांग लाल सिंह का कहना कि मौके पर राजस्व विभाग तथा पुलिस की संयुक्त टीम भेजकर मामले की जांच पड़ताल की जाए और हमको न्याय दिलाया जाए। क्या नाम है भाई जी आपका? सरदार सिंह। कौन सा गांव है? महोली। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये कि हमारे पिताजी दो शादी किए थे, हमारी मम्मी को जला के इन्होंने मार डाला। हम दो साल के थे। इन्होंने अपनी माँ को भी मार डाला, हाथ तोड़ दिया, उनकी कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी खेती के कारण। मेरी माँ से भी कहते थे कि खेती बेचो, उन्होंने नहीं बेचा तो उनको जला के मार डाला। अपनी माँ से कहते थे कि खेती बेचो, नहीं, उन्होंने भी खेती बेचने से मना कर दिया तो उनको भी उन्होंने मार डाला। ठीक, अब उनके भाई एक हैं विकलांग है, जो शारीरिक रूप से भी विकलांग है, आँख से अंधे हैं। क्या नाम है उनका? लाल सिंह। अच्छा अच्छा, तो उनको भी अब घर से बाहर निकाल दिया। उनसे भी कहते हैं खेती बेचो, नहीं तो हम तुमको मार डालेंगे, और उनको मारने का प्रयास भी करते हैं। आए दिन गाली गलौज करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। हमारा घर उनसे 100 मीटर की दूरी पे है। वो हमारे चचेरे बाबा ने हमको घर दिया था रहने के लिए। अच्छा। जंग बहादुर ने हमको कुछ भी नहीं दिया अपने हिस्से से। हमको तो 10 साल की उम्र में ही हमारी बहनों को और हमको घर से बाहर निकाल दिया था। हमारी बहनों की शादी हमारे मामा मौसी लोगों ने की। जंग बहादुर सिंह ने अपनी जो दूसरी शादी की थी, अपनी लड़कियों का इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ बलात्कार लगवाने की भी कोशिश की थी। अच्छा। चौकी में गई थी रूपा नाम की इनकी लड़की। किसने बलात्कार का केस लगाने का कोशिश किया? मतलब हमारे पिताजी ने। अच्छा अच्छा, हाँ। और वो दरोगा जी को फोन भी किया तो दरोगा जी ने उनसे, उनके पास फोन किया, फतेहपुर में पुलिस विभाग में थे हमारे पिताजी, तो पुलिस में होने के कारण ना चौकी में सुनवाई होती है ना थाने में सुनवाई हो रही होती थी। तो दरोगा जी ने बुलाया हमसे और उनके जो लड़की गई थी तो उनसे पूछा कि भाई ये क्या है। तो दरोगा, उन्होंने कहा कि साहब ये लड़का हमारी लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। दरोगा ने उनको काफ़ी अड़काया कि साले ये बता कि अगर मैं FIR लिखूंगा तो सनाफ में तू भी रहेगा और तेरी लड़की का भी नाम लिखूंगा, तो जो भी FIR पड़ेगा वो भी गलत ही मुझको ठहराएगा। जिसको हम वो छुड़वाने के लिए शैलेंद्र जी गए थे, पप्पू जी भी गए थे, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी थे वो लोग भी गए थे। अच्छा। उसके बाद भी हमको भी जान से मरवाने की कोशिश की इन्होंने। अच्छा। खेती का हमारे भी नाम, जो मम्मी के नाम खेती थी तो वो हमारे नाम खेती आ गई। तो अब ये वो रोड के किनारे खेती हमारी, तो यो हमको खेती कारण भी इन्होंने हमको भी काफी प्रयास किए, जो कि आज भी हमारे शरीर में निशान बने हुए हैं। अच्छा अच्छा। इन्होंने हमको गुंडे लगवाए थे मरवाने के लिए। दादा क्या नाम है आपका? लाल सिंह। कौन सा गाँव है? गाँव महोली। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या यही है कि अपनी औरत को जला के मार डाले जंग बहादुर, और फिर उसके बाद हमारी माता जी को मार डाला खेती का कारण, और फिर उसके बाद अपने लड़के के लिए गुंडा लगवाया मरवाने के लिए, फिर उसके बाद फिर हमको मरवाने का फिर रहा है। रोहित, मोहित, जंग बहादुर हमारे लिए मारने के लिए फिर रहे। ये जंग बहादुर आपके कौन है? हाँ, हमारे भाई साहब है। अच्छा अच्छा। हमारा 100% का कागज नहीं दे रहे हैं। काहे का कार्ड बना था? हाँ? हाँ। अंधे और लगाने की। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और ना हमारे पासबुक दे रहे हैं ना हमारा कपड़ा दे रहे हैं। अच्छा। हाँ,
हमका कोई भी कहीं भी ना खेत में ना घर में कहीं भी हिस्सा नहीं दिया जा रहा है और ना दरोगा साहब आज हमारे नियत बाबू हमको फैसला हमारा कर गए और आज तक हमारा कोई हिस्सा नहीं दिलवा पाए ना पुलिस ना दरोगा। हमको जहाँ तक हो तो हमारा मोदी से खबर पहुँचाना चाहिए कि महान दया होगी। चलिए ठीक, नरवाल तहसील से पवन कुमार की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।